इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मनीष सिसोदिया का बड़ा दावा, बोले जमानत के लिए मुझे केजरीवाल के खिलाफ बयान देने को कहा गया, सरकार में वापसी पर बोले केजरीवाल जो जिम्मेदारी देंगे उसके लिए तैयार। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हेल्थ ग्राउंड पर अंतरिम जमानत देने से इनकार, केजरीवाल की अर्जी पर सीबीआई को नोटिस जारी, 23 अगस्त को अगली सुनवाई। सोमनाथ भारती की याचिका पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, सोमनाथ भारती ने नई दिल्ली लोकसभा सीट पर बांसुरी स्वराज को जीत की दी है चुनौती। कोलकाता कांड की जांच के पहले ही दिन फुल एक्शन में सीबीआई, फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ आजकर कॉलेज पहुंची टीम, आरोपी को कस्टडी में लेकर पूछताछ से पहले मेडिकल कराया, पुलिस के दर्ज किए गए बयानों को पड़ताल। कोलकाता कांड पर राहुल गांधी ने तोड़ी चुप्पी, बोले इस विभत्स घटना से पूरा देश स्तब्ध, आरोपी को बचाने की कोशिश पर भी उठाए सवाल, दोषियों को ऐसी सजा मिले जो समाज में एक नजीर बन जाए। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के कैप्टन दीपक सिंह शहीद, एक आतंकी भी ढेर, घाटी में बढ़ती आतंकी वारदातों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनएसए और सेना प्रमुख के साथ की हाई लेवल बैठक। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक, चुनाव आयोग के अधिकारियों और केंद्रीय गृह सचिव की मुलाकात में घाटी की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा, अगले हफ्ते हो सकता है चुनाव तारीखों का ऐलान। विभाजन विभीषिका दिवस पर कांग्रेस पर बरसे योगी आदित्यनाथ, बोले विभाजन की त्रासदी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, अब या तो विलय होगा या हमेशा के लिए खत्म होगा पाकिस्तान। 78वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न के लिए लाल किला पर तैयारियां पूरी, सुबह 7:30 बजे तिरंगा फहराएंगे प्रधानमंत्री मोदी, 7:33 पर राष्ट्र के नाम संदेश, 2047 तक विकसित भारत, आज आजादी के जश्न की थीम। बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह को बड़ी राहत, AK-47 मामले में पटना हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव पर बरी किया, लोअर कोर्ट ने सुनाई थी 10 साल की सजा।